गाइस वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ, इंट्रोड्यूसिंग मेडिटिव वुमेन ट्रिमर, जो कि एक मल्टी फंक्शनल ग्रूमिंग टूल है। इसमें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ साथ इसके कुछ खास फीचर्स भी डिस्कस करूँगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइस मैं सबसे पहले बात करूंगी इसके पैकेजिंग की। तो आप देख सकते हो ये ट्रिमर ना आपको एक बॉक्स में मिल जाएगा, जिसके अंदर ट्रिमर के सारे पार्ट्स भी मिल जाएंगे। एंड आप ट्रिमर का लुक देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इजी टू हैंडल है। एंड गाइस ये ट्रिमर ना ड्यूल हेड पोजीशन के साथ आता है, जिसमें आपको एक स्टैंडर्ड ट्रिमर हेड मिलता है, जिसे आप अपने लेग्स पे, आर्म पे, आर्म पिट पे और पिकनी एरिया पे यूज़ कर सकते हो। और एक आता है डिटेल ट्रिमर हेड, जिसे आप अपने फेस पे और साइड बंस पे यूज़ कर सकते हो। और गाइस साथ ही में इसको ऑन ऑफ करने के लिए आपको बीच में ही एक बटन भी मिल जाएगा, जिसको आप अपनी नीड्स के हिसाब से ऑन या ऑफ कर सकते हो। आपको हेड चेंज करना हो इसका तो आप इस तरीके से हेड भी इसका चेंज कर सकते हो। इसके साथ तीन अलग अलग कॉम्ब्स भी आते हैं, जिसे आप अपने स्टाइल को कस्टमाइज भी कर सकते हो। स्टैंडर्ड ट्रिमर हेड के लिए आप 6 से 9 mm का और 9 से 12 mm के बीच चूज कर सकते हो, और डिटेल ट्रिमर हेड के लिए आप 2 mm का कॉम्ब भी यूज कर सकते हो। एंड गाइस ये ट्रिमर ना रिचार्जेबल भी है, इसके साथ आपको टाइप सी का केबल भी मिल जाएगा, तो आप इसको कभी भी रिचार्ज करके रख सकते हो फॉर लॉन्ग ग्रूमिंग सेशंस। और गाइस इसमें आर एंगल डिजाइन है और इसमें पेनलेस और स्मूथ शेविंग का एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि इसमें सेरेमिक ब्लेड का भी यूज किया गया है, जो कि सेफ्टी और ड्यूरेबिलिटी का परफेक्ट ब्लेंड है। और ये रस्ट प्रूफ भी है और कंफर्टेबल भी। और गाइस ये ट्रिमर ना फुल्ली वाटरप्रूफ है, तो आप इसको शावर में भी यूज़ कर सकते हो। एंड इसके वाटरप्रूफ डिज़ाइन की वजह से मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा हैसल फ्री हो जाती है। सो गाइस अब मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। सो गाइस जब मैंने मेडिटिव वुमेन ट्रिमर का यूज़ किया ना, तो मुझे उसकी वाइब्रेशन से बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग फील हुआ। जब इसके ब्लेड स्किन को टच करते हैं ना, उस वाइब्रेशन की वजह से एक रिलैक्सिंग सेंसेशन मिलती है स्किन को, जैसे कि एक मिनी स्पा का एक्सपीरियंस हो रहा हो। तो ये फीचर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया इस ट्रिमर का, और इसने मेरे ग्रूमिंग सेशन को ना बहुत ही अच्छा कर दिया है। एंड गाइस ट्रस्ट मी, जब आप इस ट्रिमर को यूज़ करोगे ना, आपको भी बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग फील होने वाला है। एंड गाइस बहुत ही अच्छे से ये स्मूथ और क्लीन शेविंग कर देता है, बिना किसी कट्स या इरिटेशन के, कोई भी स्क्रैचेस भी नहीं लगते। और आप रिजल्ट देख सकते हो कितनी ज़्यादा क्लीन शेव हो चुकी है। सो गाइस अब मैं इसको अपने फेस पे भी यूज़ करके दिखाऊंगी। जो इसमें डिटेल ट्रिमर हेड दिया गया है, जैसे कि मैंने बताया, वो साइड बर्न्स पे और अपने फेस पे यूज़ कर सकते हो आप। तो ये जो डिटेल ट्रिमर हेड है ना, काफ़ी ईजिली स्किन पे ग्लाइड भी हो जाता है, और बिना कट्स और इरिटेशन के आप इसे अपने फेस पे यूज़ भी कर सकते हो। और काफ़ी ईजिली ये छोटे छोटे बालों को भी निकाल देता है, जैसा कि आप देख सकते हो। सो गाइज मुझे मेडिटिव वुमेन ट्रिमर काफ़ी पसंद आया, क्योंकि एक तो ये इजी टू यूज़ है, प्लस ट्रैवलिंग के लिए तो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम वैक्स को या फिर हेयर रिमूवल क्रीम को या फिर रेजर को बाहर ले जाके यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो थोड़े टाइम टेकिंग भी होते हैं और थोड़ा झंझट वाला काम भी हो जाता है। बट आप इस ट्रिमर को डायरेक्टली अपनी स्किन पर यूज़ कर सकते हो, और बहुत जल्दी ये आपको रिजल्ट भी दे देता है, जैसे कि आप देख सकते हो कितना क्लीन रिजल्ट दिया है इसने। और इस ट्रिमर के वाइब्रेशन से जो रिलैक्सेशन मिलती है, वो तो अलग ही लेवल पर है। सो गाइज ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और एक डिटेल्ड रिव्यू ऑफ मेडिटिव वुमेन ट्रिमर। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अगर आपको ये परचेज करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो। तो मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्यूटिफुल।